बड़ी हम मादरत करने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि हाई कोर्ट ने आपको जस्टिस नहीं बनाया और यहाँ पे एडिशनल सेशन जज बना के भेज दिया। क्या हो गया सर? मेरी बात समझ आई आपको? हम आपसे माफी मांगते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी उल्लू का पट्टा है, हाई कोर्ट इसने आपको यहाँ भेज दिया। लैंग्वेज नहीं, कोई बात नहीं। 3 दिन में 4 दिन में मुझे 20 शिकायतें आपकी आ गई। हर वकील को साथ आप बदतमीजी करते हैं, हर वकील के साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगा। नहीं, अपना रवैया ठीक करें। ये जो है ना मेरे छोटे भाई बच्चे, ये मेरे बेटों की तरह, अपना रवैया ठीक फरमा लें या फिर हाईकोर्ट जाके जस्टिस बन जाए। आप मुझे फरमाएं कि कंप्लेन क्या है मेरे खिलाफ। ये मेरा भाई कोई ना बोले, फ्री अरेस्ट में मुलजिम भी हाजिर था, इसका मुंशी भी हाजिर था, ये किसी और अदालत में था या जो भी, उसने आके कहा कि जी वकील साहब आ रहे हैं। जनाब ने फरमाया ना मैं इंतजार करता हूँ ना क्या करता। क्या कहा भट्टी साहब बताए? मास्क उतार के बताए। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये कहा है मैंने? बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे हमें सबसे पहले डॉक्टर साहब से कि मोहम्मद इकबाल ने देर लगी हुई है, वकील साहब दीवार है, उन्होंने खाना को नहीं उसको डेट सुना। डॉक्टर साहब ने कहा जी डेट कोई नहीं हुई, उसमें बहस करेंगे फैसला होगा। वकील साहब मैं अच्छा बुलाई हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा जैसे आपने पूछा जी मुझे, मैंने कहा सर वकील साहब बीमार है, उन्होंने खाना को डेट सुना। जैसे कहते हैं कि आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, आप से बात कर रहे हैं। आया सुबह से यहाँ पे मुंशियों को अरेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद कोई मुंशी मेरे से बात नहीं करेगा। तो ये गाइस जो है ये वकीलों के लिए, मुंशियों के लिए। इसमें कौन सी गुस्ताखी की है? अगली बात यह है कि मैं वकील साहब का पाबंद नहीं हूँ, उन्होंने आना है आके बहस कर दे, नहीं आना है बेशक नहीं आना। अच्छा इस पूरी गुफ्तगू में आराम से मेरी बात सुने, आप मुझे लाउडली बोले, मैं लाउडली और बैठा, मैं इससे लाउडली से और भी कुछ करूंगा। इसका मतलब 20 अदालतें हैं यहाँ पर, 8 यहाँ पे एडिशनल चैलेंज जज है, हम अपने टोटल कर रहे हैं 8, भाई हर अदालत में हम पहली पुकार में शामिल हो। सदर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ, अगर हमने किसी और अदालत में पेश होना है तो हम जिस अदालत में पहले बुलाई होगी जिस अदालत में, फिर मैं इंतजार में रखता हूँ जी ना। तो फिर ये क्या बात है कि मुंशी ना पेश हो? क्यों ना पेश हो? मुंशी का रोस्टर पे आना नहीं है। क्यों नहीं? और मुंशी का बाहर की बात है, अकल की बात है, अगर कोई अकल की बात है। हाँ मुंशी ना आए तो फिर बाहर आए, मुंशी नहीं आएगा तो वकील भी नहीं होगा, मुंशी भी नहीं होगा, कलाई बताएगा, कलाई कौन से आएगा? वकील आके बताएगा ना, लीडर को आके बताएगा, नहीं करेगा और अदालत नहीं। हाई कोर्ट में तो वो जाके मुंशी कह देते हैं कि फला अदालत में इंतजार में हो जाता, आपकी फिर मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जहाँ मैं मुंशी नहीं पेश हो। नहीं लग रहा आपका ग्रीवियस क्या है? मुझे ये है कि अगर वकील किसी और अदालत में हो और मुंशी साहब तशरीफ लाए तो वो हमें हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा उसको ये कहना कि मैं तेरे से बात नहीं करता, आपसे कौन बात करेगी पहले मुझे बता दो। कौन सी तो नहीं हो गई अभी, ये भी बता दी कि मैंने फैसला कर देना। क्यों कर देना बड़े भैया? यहाँ कर रवैया ना आप हाईकोर्ट ले जाए, वहां पे जाके चार्ज संभाले, जस्टिस बन जाए। यहाँ भाई आपके शायान निशान ही अदालत नहीं है ना, हम आपके शायान निशान। हमारे मुंशी अगर आपको बर्दाश्त नहीं होते हम ये अदालत ऐसे मेहरबानी फरमाएं, ये रवैया यहाँ नहीं चलेगा। और दिस इज दिस इज दिस लास्ट टाइम हम ये बेहद कर रहे हैं, दिस इज वे योर कंप्लेन। नहीं इस दी वे, मैंने 4 दिन में 4 आपकी शिकायतें, कल आपने टॉन्ट किया मेरे वकील को, वो मेरे पास आया सरदार दादा तजमुल के जी, वहां पे पूरी अदालत में मेरा मेरे पे हंसी लगवाई। उससे पहले कौन से मैं मेरी बात सुने बस आते आते, ये आखिरी बात नहीं है। या तो यहां से तशरीफ ले जाए ट्रांसफर करवा लें या यहां पर एडिशनल सेशन जज बनकर बैठे, बस इसका और कोई। आप एक बात बताएं, आप दयानतदारी करते हैं, हमारे पे एहसान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर आपका जो रवैया है ना, आपकी जो बातचीत है,
ये हमारे साथ सही होनी चाहिए। प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे बार बेंच का बड़ा चोली दामन के साथ इज्जत की जाती है तो इज्जत मिलती है, ये रेसिप्रोकल। हम इज्जत के लिए वकालत का पेशा हमने अडॉप्ट किया है, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनी अदर पर्सन। ये वो कुर्सी है जहां यहां से लोग उस पे जाते हैं और वहां से इधर आते हैं। इतना रेसिप्रोकल अदब है जो कोर्ट बार और बेंच का है, जो जजेस को अखलाक सिखाते हैं। और अगर जजेस में टेम्पो ना हो समाप्त करने का, पेशेंस सेने का, तो सब उन्हें सोचना चाहिए। हम तो बहुत हौसले से, जो प्रोफेशनल एडवोकेट है वो तो हर वक्त हजारों के उसको ओबे करते हैं। और हमारे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि जो जजेस से आज जो रवैया वो थोड़ी सी बात सख्ती से कर रहे हैं, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल दोस्त, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने अपने मेरिट के लिए जो बातें करते थे करते हैं, इनमें वो बात नहीं है। प्रैक्टिस की ने जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, बहुत प्रॉपर्टी है। यहां करती है तो हमारी नुमाइंदगी के लिए कर है। जो है जजेस की इज्जत हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारा प्रोफेशन ही एहतराम वाला है, ये काला कोट ही एहतराम वाला है। रेसिप्रोकल है योर ऑनर कि आप अपने इन वकीलों को, मुंशी हमारे ऑफिस बेहतर होते हैं। हम हर केस में तो नहीं आ सकते जनाबे वाले, उनको भेजिए पता करो नंबर कितना है, किस वक्त जज साहब ने बुलाना है, एविडेंस आई हो गया नहीं है, जी जी ना कि आप सब मेरे पास गुस्से में तशरीफ लाई है, बात सुनी है, अब मेरी भी सुनिए। आप वन साइडेड स्टोरी सुन के तो आप मेरे पे कोई कमेंट्स नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे पिन पॉइंट दे के किस जज का सॉरी से क्या पिन पॉइंट दो, मेरी बात नहीं, इसको माइंड अप करके मेरी बात सुन ले। मेहरबानी फरमा के, या तो हम आपके लायक नहीं है, ये कुर्सी आपके लायक नहीं, आपके लायक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके जज बन जाए। हमें अल्लाह आपको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई अदालत वहां ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं, अल्लाह करे चले जाए। लेकिन जब यहाँ पे आप हैं, आपकी ईमानदारी हमारे पे कोई आसान नहीं है। आप ईमानदार आओ, मैंने कब क्लेम कर दिया ईमानदारी का? अब आप अपना रवैया या तो तब्दील फरमा ले भाई, आप मुझे सदर साहब रवैये में बताए ना कि और भैया और क्या मुंशी को कहते हैं मेरे से बात ही ना करे, तो हम सदर के पास जाएंगे। हमारा सबसे पहले फर्ज यही है कि हम सदर के पास जाएंगे। आज सदर पहली बार आपके पास पेश हुए, अब हो जाएंगे। अच्छा, अब हो जाएगा, बात की जाएगा। सर हमने अपनी बात कर ली है, आइंदा मेरे किसी वकील के साथ कोई इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ या कोई टॉन्टिंग जुमला हुआ, या अगर कोई मुंशी आके ये यू आर एक्सप्रेसली थ्रेटनिंग, नॉट आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कम इन टू मी। नहीं, रिक्वेस्ट करने का और वो रिक्वेस्ट यू शुड हैव तो पिछले 9 महीनों से जैसे मैं सदर में बात में बस जो मैं सदर बन को कोई तरीका नहीं जब से है सदर बना, मैंने आज तक किसी थर्ड क्लास सिविल जज को ओए करके नहीं कहा। बात तो मुझे तो क्योंकि आपका रवैया मेरे, मैं सरबराहू सितारे का एंड आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यस, उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप मेरी बात सुन ले, नहीं बस जनाब इस वक्त वकील साहब प्रॉब्लम है ना, मैंने मेरे लिए भी और सेशन जज साहब के लिए भी, मेरी भी सुने ना, नहीं होता मैं कभी अगर हम नहीं हां हम देख लूंगा, मैं देखूंगा कि दावा जरूरत है, बस बात करो अदालत को, नहीं नहीं आज नहीं, रात में फिर माफ करके कोशिश नहीं करनी, मैं कह रहा हूं चल दो चलो बाहर Thank you.